जो मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने भी नहीं देखा। हाय! बचाओ, कोई है? अटोरी, डिनी, वो आवाज तो मेरे ख्याल से ये आवाज युमिको की है। क्या हुआ होगा? चलो देखते हैं। डिंग 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 डिंग। वही, तुम्हें लगता है कि तुम ये स्टफ खिलौने वाली डरावनी खाल पहनकर हमें डरा दोगे? ये सन्नाटा गली, लाल मकान, पीला रास्ता कहाँ पर है? क्या कहा? लगता है तुम्हारी खाल खींचनी पड़ेगी। मेरे साथ खेल रहे हो क्या तुम? ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी खाल मत खींचो, मुझे गुदगुदी होती है। क्या पहना है? हट जाओ, हट जाओ। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, पर लगता है तुम ठीक नहीं रहोगे। तुम ह्यूमन नहीं हो, कौन हो तुम? मैं हूँ चिप्पो। मॉन्स्टर कहिए। लगता है डर के भाग गया। ये राइस केक्स कहाँ से आए? ये सब क्या किया तुमने? मेरे राइस केक्स खराब हो गए, अब मैं क्या खाऊंगा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये राइस केक्स ही तो है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओए, ये क्या कर रहे हो? अरे पता नहीं ये मेरा पाला किससे पड़ा है। मैं तुम्हारे दिमाग का अभी पापड़ बनाता हूँ। हमारा बॉस का तो पापड़ बना दिया, अब तुम मेरा झापड़ खाओ। ए, रुक जाओ। मॉन्स्टर! तोरी सर, आप, मैंने आपको ढूंढ रहा था। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं आपको देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो गया, सॉरी सर। मेरी कमर गई काम से। ओह, लगता है ये मॉन्स्टर हथौड़ी को अच्छी तरह जानता है। हथौड़ी मॉन्स्टर, हथौड़ी, ये निंजा मॉन्स्टर जिप्पो है। ये पहले की तरह भौंदो है, जरा भी नहीं बदला। केनिची, जब मैं 4 साल का था तब से जिप्पो को जानता हूँ। मैं जिप्पो से तब मिला था जब मैं ईगा निंजा सीक्रेट घाटी में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कहाँ रहे तुम? बाहर निकलो अपनी खाल से। अरे, ये तो निंजा मॉन्स्टर है। मैं हूँ जिप्पो। तो जिप्पो से मेरी पहली मुलाकात वैसे हुई थी। उसके बाद हम दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स बन गए थे। हमने साथ साथ अपनी निंजा टेक्निक्स को पॉलिश करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपके ईगा से जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था, इसलिए तुम यहाँ आ गए। तुम हमारे साथ कुछ दिन क्यों नहीं रहते? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। लगता है मॉन्स्टर ईगा का निंजा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्यों आया है। चलते चले, हम चलते चले, जिप्पो के साथ हम चलते चले। पोपो, मैं आ गया। बालों को सिर्फ वॉश नहीं करूंगी, उन्हें दूंगी नए पैंटीन की मजबूती। इसमें है गुडनेस ऑफ ऑयल्स और प्रो विटामिन फॉर्मूला, ये दे स्ट्रॉन्गर थिकर बाल सिर्फ 14 दिनों में। नया पैंटीन, और अब सिर्फ 1.5 रुपए में पाइए नया सबसे बेहतर पैंटीन। अब मैच अटैक पैक में पाओ प्रोमो कोड और जीतो इंग्लैंड फेयर। ऑल्सो स्क्रैच एंड विन ओवर 1 लाख प्राइजेस लाइक फुटबॉल्स, वॉचेस एंड मोर विद मैच अटैक प्रीमियर लीग कलेक्शन। हरकतों की वजह से एक दिन मेरी जान जाएगी। जाना तो एक दिन सबको है, किसी को पहले तो किसी को बाद में। जीना अभी सीखा नहीं और लोग मरने की बात करते हैं। एक की तलाश अनजानी, एक अपने कल से बेगानी। पिया अल्बेला, 6 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे ZTV पर।
इतने गॉर्जियस बाल कैसे? नया हेड एंड शोल्डर्स? नो हेड एंड शोल्डर्स, नो वे। नया हेड एंड शोल्डर्स 10 गुना मॉइस्चराइजर्स के साथ, जो स्कैल्प को नरिश करे और बालों को बनाए स्मूदर सिल्कियर। नया हेड एंड शोल्डर्स स्मूद एंड सिल्की। पेश है बेस्ट एवर टाइट प्लस, जो सिर्फ आधा लगे और शानदार सफेदी दे। माँ होने के साथ साथ एक मास्टर शेफ भी हूँ, इसीलिए रोज इन बच्चों के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये नॉट सोपी नूडल्स, जिसमें है 100% रियल वेजिटेबल्स एंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। हेल्दी और टेस्टी नॉट सोपी नूडल्स, इसे खा के पियो या पी के खाओ। गुड मॉर्निंग, अभी भी हैवी होने वाला डायपर, अब से पहनो नया मैमी पोको पैंट्स क्रिस्क्रॉस अब्सॉर्बिंग शीट के साथ। अब ना लीकेज ना हैवी डायपर की चिंता, लीकेज से बचाए अच्छी नींद आए मैमी पोको पैंट्स। अच्छा गाइस, संगीत के लिए ये लोग चलेगा ना? ऑफकोर्स चलेगा। डैंड्रफ नहीं चलेगा। बेस्ट एवर हेड एंड शोल्डर्स, एक वॉश में ज्यादा डैंड्रफ मिटाए तीन वॉश के मुकाबले। बेस्ट एवर हेड एंड शोल्डर्स, रहो 100% तक डैंड्रफ फ्री। हेड एंड शोल्डर्स डैंड्रफ के ज्यादा लक्षण मिटाए, यानी एक सैशे में ज्यादा बचत। केनिची, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई? समय देखा है? हाँ, अगर हम तुम्हें आजादी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर देरी से आओ। ये क्या चीज है? थोड़ी कोई बात नहीं, मुझे पता है कभी कभी देर हो जाती है। ये जिप्पो है, ये हथौड़ी के बचपन का दोस्त है मम्मी। जिप्पो, ये केनिची के मम्मी पापा हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं कुछ दिन यहीं रह सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर रह सकते हो। चप्पू, ये क्या कर रहे हो, जरा तमीज से पेश आओ। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे पता था जिप्पो यहाँ आने पर ऐसा ही कुछ होगा। याद रखना, अपने मम्मी पापा को तकलीफ हो ऐसा कभी कुछ ना करना। डिंग डिंग। बर्गर बनाने की निंजा चिकनी। डिंग डिंग। प्लीज केनिची, ये रिक्वेस्ट है। चिंता मत कीजिए अंकल, जल्दी आना, आज हमारी थर्ड एनिवर्सरी है। क्या कहा, मुझे बर्गर बनाने की दुकान में मदद करनी पड़ेगी? प्लीज हथौड़ी। आपने मना किया तो मुसीबत में फंस जाएंगे, हमने एडवांस में ही ले लिया है। तुम्हारी मदद करने के बदले में? हाँ, मैंने भी। अगर तुमने कॉम्पेंसेशन एडवांस में लिया है तो तुम मना नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं। केनिची, हथौड़ी सच में शहर में सबकी मदद करने से कभी मना नहीं करता, उसका जवाब नहीं है ना हमारा? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तो लीफलेट्स है। थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सेल में आपका स्वागत है। आपके शहर में पेश है हैमबर्गर की बहुत बड़ी सेल। हे, ये पर्चे हथौड़ी ने बनाए हैं। जब हाथ में काम ले लिया है तो उसे पूरी मेहनत से करूंगा। डिंग डिंग। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान है हथौड़ी, जो आप सबके लिए कुछ बेहतरीन बर्गर्स बनाएंगे। क्या आइडिया है सर जी, हथौड़ी तो किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा फेमस है। एक बात बताओ हथौड़ी, क्या तुमने हैमबर्गर बनाने की सारी तैयारी कर ली है? हाँ, यहाँ के मेन्यू को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। वैसे भी कोई काम अगर दिल से किया जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है। डिंग डिंग। हथौड़ी, ये सारी चीजें याद रख पाएगा? चिंता मत करो, बले भाई की निंजा मेमोरी है, जिसकी मदद से वो एक बार में सब याद कर लेंगे। वो तो है। अभी पेश करता हूँ, डिंग डिंग। पहले बंस की बारी। डिंग डिंग डिंग। और चीज की बारी। डिंग 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 डिंग। अब आई सॉस की बारी। डिंग 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 डिंग। और अब तैयार होगा आपका बर्गर। ये निंजा मेमोरी की निंजा टेक्निक है। क्या बात है, हथौड़ी एक ही बार में सारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स याद कर सकता है। हमारा बॉस, वो देखो, लगता है बर्गर का सेल चल रहा है। बस तुम देखते जाओ।
एक्सक्यूज मी आपको क्या चाहिए सर? भाई यहाँ बर्गर मिल रहा है तो बर्गर लेने आया हूँ। ठीक है अभी लाया। अरे भाई जल्दी करो, बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा, और कितनी देर लगेगी। ये लीजिए आपका बर्गर। डिंग डिंग, मैंने कहा जल्दी करो। ये क्या हो गया? देखो उस आदमी के मुंह में डबल बर्गर है। देखिए मैंने आपका सारा ऑर्डर पूरा किया, अब खाइए खाइए। बॉस लगता है आपके आइडिया की वजह से आपकी बैंड बच गई। 30-35 आदमी की गोली खा लीजिए। लाओ जल्दी दो। हम क्या ऑर्डर करें? आप आराम से सोचकर बता सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। अब मुझे भूख लग रही है। हाँ क्यों ना अब हम भी बर्गर खा ले यूमिको। सुनो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ पे खाने को क्या क्या मिलेगा? वहाँ पर जो मेनू लगा है उसे पढ़कर आप जो चाहे ऑर्डर कर सकती हैं। हथौड़ी उसे आपके लिए फटाफट बना देगा। मुझे एक डबल बर्गर, एक हैम बर्गर, चीज पिज्जा, मशरूम बर्गर, डम्बो वड़ा पाव, रगड़ा पैटिस, कटलेट, भेल पूरी। सारी चीजें खुद अकेले खाएंगी? मैंने अभी तक किसी भी चीज का ऑर्डर तो दिया ही नहीं, अभी तो मैं बस मेनू पढ़ रही थी, समझे? अब तुम इस ऑर्डर का क्या करोगे हथौड़ी? चिंता मत करो, वो उस दादी माँ का ऑर्डर नहीं है। डिंग डिंग, आपका ऑर्डर तैयार है। मुझे तो मेरा ध्यान दुकान के चप्पे चप्पे पर है और मैं खरगोश के कान की निंजा टेक्निक से हर कस्टमर की बात सुन रहा हूँ। क्या हो गया हथौड़ी? ये बच्चे छोड़ूंगा नहीं। बस आपकी आइडिया की फिर से पुचुक करके हवा निकल गई। तुम्हें पुचुक करूं? आई एम सॉरी, तुम सबको इंतजार करना पड़ा। बोलो क्या क्या खाओगे, क्या ऑर्डर है? इस बार मैं उसे मदद चखा कर रहूंगा। मैं खाऊंगा चीज बर्गर। मैं एक स्पेशल बर्गर खाऊंगी। मुझे एक आलू टिक्की बर्गर। और मुझे चॉकलेट बर्गर। यू गया और ऑर्डर लेकर आया। डिंग 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 डिंग। ये लो हथौड़ी। ये क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? बर्गर बनाने का बड़ा शौक है ना, आप कैसे बनाओगे? आखिर तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? हमारा बुढ़िया और आदमी बनकर भी तुमने मुझे परेशान किया। तो तुम्हें पता चल गया, गुड। अब तुम काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं खुश हूँ की अब तुम्हारी इज्जत का बर्गर बन जाएगा। निंजा कभी हार नहीं मानता। डिंग 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 डिंग, किसी भी हालत में मैं बर्गर बना के रहूंगा। डिंग 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 डिंग। हाय, मैं तो ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चला आया। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? बात यह है कि हमने बर्गर्स का ऑर्डर दिया था लेकिन अभी तक बर्गर्स आए नहीं। सॉरी दोस्तों, तुम सबको इंतजार करना पड़ा। हथौड़ी ये लो मजे से खाओ दोस्तों। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? सॉरी तुम सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। निकल लो बॉस। डिंग डिंग, हमारा तुम तो मदद करने के लिए यहाँ आए थे, क्यों है ना? नहीं वो मैं जोकर की तरह आधा झुकने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, अब ये कौन सी नई टेक्निक है भाई? अरे ये क्या हो रहा है? अरे वाह, इसे क्या बना दिया? भले भाई, आपने इसे काम पर लगा कर बहुत अच्छा सबक सिखाया। बजाओ क्या? हो चुका है क्या? घंटी मत बजाओ। हथौड़ी क्या? ये क्या है? ओह नो, वो मैं जब खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तब गलती से मेरी चप्पल निकल गई। अब क्या करूं? ये क्या किया? सॉरी यूमिको, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, क्या हथौड़ी ने की है चीटिंग? डिंग डिंग। और तेज भागो, और तेज। भागते हुए कपड़ा जमीन से नहीं छूना चाहिए। दोनों के 12 बजे हुए। मैं इससे तेज और नहीं दौड़ सकता। हथौड़ी मास्टर, अब आप इन्हें दिखाओ असली तरीका। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब देखना निंजा हथौड़ी का कमाल। डिंग 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 डिंग। क्या बात है हथौड़ी मास्टर? ये सब इनकी जबरदस्त ट्रेनिंग का कमाल है। हमेशा की तरह हथौड़ी का जवाब नहीं। ये क्या गुब्बारा? ये क्या चक्कर है? नीचे आने के बाद पोजीशन ठीक नहीं थी। यहाँ मेरे बॉस हमेशा की तरह मेहनत कर रहे हैं और वहाँ हथौड़ी छोटी मोटी चाले चलकर खुद को हीरो साबित करने में लगा है। ओए अब हथौड़ी ने क्या किया? हाँ, तुम सच कह रहे हो या मछली खाकर आए हो?
मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉस, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फोटो खींच कर अभी लाता हूँ आपके सामने। चुप रहो, मुझे तुम्हारी आंखों और तुम्हारे कैमरे की बात पर कोई भरोसा नहीं है। मुझे यकीन है तो सिर्फ अपने वीडियो कैमरे की आंखों का। तो मैंने अभी अभी बंगाली में बोला क्या? अब अगली ट्रेनिंग में मैं तुम्हें बिना भूख मारे मोमबत्ती बुझा कर दिखाऊंगा। अब देखो लगातार निंजा स्टार्स फेंकने की निंजा टेक्निक। हो चुका है कि हथौड़ी ने कोई चीटिंग नहीं की। लेकिन बॉस मैंने उसे चीटिंग करते हुए देखा था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक बार वीडियो टेप पर भी देख लेते हैं। हाँ, उसने फूंक मार कर बुझाई। उसने तो चीटिंग की, देखा मैंने। उसने ब्लेड्स भी धागे से बांधे हुए थे। मैंने कहा था ना वो चीटिंग करता है। पहले तो मैं सोचता था कि उसकी बिजली गिराने की टेक्निक बहुत कमाल की है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक चाल ही थी। अब उसकी पोल खोलेंगे और इस काम में ये कैमरा हमारी मदद करेगा। ये हथौड़ी का बच्चा शिंजो और दूसरों को उल्लू बना सकता है, लेकिन हमारे कैमरे को नहीं, है ना कियो? बिजली काटने की निंजा टेक्निक। आंखों से भले ही कुछ पता ना चले, लेकिन वीडियो टेप में सब साफ हो जाएगा, है ना? अब पता चलेगा उसकी क्या चाल थी। मुझसे और इंतजार नहीं होता बॉस। बिजली काटने की निंजा टेक्निक। उसने तलवार फेंक दी बॉस। अब मैं समझा, उसके पास दो तलवारें थी, यानी उसने फिर चीटिंग की। वो चीटर है, चीटर। उसके राज का पता चल गया है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। सही कहा, इसलिए अब मैं उसे लड़ने के लिए फौरन चैलेंज करता हूँ। क्या चैलेंज का लेटर? मेरे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हथौड़ी, बाहर बहुत बिजली चमक रही है, तुम मत जाओ। हाँ बड़े भाई। निंग निंग, मैं चैलेंज से मुंह नहीं मोड़ सकता। निंग निंग निंग, हथौड़ी रुक जाओ। वैसे हथौड़ी के लौटने तक तुम इसे देख सकते हो। हमारा देखो, आज मौसम बहुत खराब है, इसलिए हमें किसी और दिन मुकाबला करना चाहिए। क्यों, डर के मारे निकल गई है वह? संभालो इसे हथौड़ी। इतनी जल्दी क्या है, जरा रुको ना प्लीज। अब दिखाओ अपनी नकली निंजा टेक्निक। जब हथौड़ी बिजली को काटने वाला हो और ठीक उसी वक्त उसकी तलवार कमर से गिर जाए तो वो निंजा टेक्निक फेल हो जाएगी। इसका मतलब हथौड़ी हम सबको बेवकूफ बनाता है? नहीं, ये झूठ है। फोटो झूठ हो सकती है लेकिन वीडियो कैमरा कभी नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आएगा मजा, ये लो। बॉस ये क्या हो गया? अरे कोई बचाओ, बच्चे की जान लो। जवाब नहीं, बाल बाल बच गया। अगर मैंने असली तलवार की जगह ये बास की तलवार नहीं ली होती तो मैं भी नहीं बचता। बास की तलवार? हाँ, मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी इसलिए मेरे हाथों में छाले पड़ गए। छाले? हाँ, ये देखो, इसकी वजह से मैंने लोहे की भारी तलवार नहीं उठाई। इतना ही नहीं, मेरे तो पैरों में भी छाले हैं। लेकिन हथौड़ी, तुम अपने छाले छुपा क्यों रहे थे? ट्रेनिंग में अपनी चालाकी छुपाने के लिए। हम तो हैरान हो गए थे जब अमारा ने हमें ये तुम्हारा वीडियो दिखाया था। लेकिन भले भाई, आपने तो हमें अच्छा उल्लू बनाया। मैं भी उल्लू बन गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम लोग मन लगा कर ट्रेनिंग नहीं करते और इसमें तुम्हारा ही नुकसान होता। सही कहा ना? तुम हर बार मुझे उल्लू बना देते हो।
जैसी शिमानो की सीक्रेट निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। क्या कहा? तुमसे तुम्हारी साइंस बुक खो गई युमिको। हाँ, अब मैं क्या करूँगी? अरे तुम रो क्यों रही हो युमिको, मेरी बात मानो। सर तुम्हारी परेशानी जरूर समझ लेंगे, वो जानते हैं कि तुम दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। पता नहीं तुम किन दूसरों के बारे में बात कर रहे हो। आइडिया? हाँ आइडिया, वो भी तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मेरे निंजा डॉगी शिशिमानो की नाक बहुत तेज है, उसकी मदद से बुक का जल्दी पता लगा लेंगे। क्या शिशिमानो? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट झुककर की जाती है। शिशिमानो जी, मैं आपको बदले में 20 चॉकलेट रोल्स दूंगा। हाँ हाँ शिशु महाराज, इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन पहले मैंने रैबिट पर यही नोट्स बनाए थे, तभी मैंने आखिरी बार वो बुक देखी। मतलब उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं युमिको? तो अब मैं अपनी जासूसी शुरू करता हूँ। शिशिमानो ऐसे मत करो, मुझे गुदगुदी होती है। शिशिमानो युमिको की खुशबू चुंगने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे डांट तो पड़ी लेकिन मुझे युमिको की खुशबू अच्छी तरह से याद हो गई। पता नहीं वो इस तरह बुक का पता लगा पाएगा या नहीं। तुम लोग यहाँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो। तुम्हें चॉकलेट रोल बुक ढूंढने के बाद ही मिलेगी। एक मिनट, मुझे याद है कि उस दिन मैं मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए यहाँ आई थी। भले ही उस वक्त किताब मेरे पास नहीं थी, लेकिन तुमने तो सच में कमाल कर दिया शिशिमानो। वेरी गुड, अब इसी तरह युमिको के आने जाने वाले रास्ते का पता लगाते रहो। इस जासूस शिशिमानो पर भरोसा रखो, मेरे साथ आओ। ऐसे तो ये शिशिमानो बुक का पता लगा लेगा। आइडिया, चलो मैंने तो उस बूंद को करने दो और फिर तारीफ का मीठा फल हम खाएंगे। कबड्डी 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 कबड्डी। युमिको चैन, वैसे तुम पेड़ के ऊपर क्या कर रही थी? ये तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो? देखो मुझे वो चॉकलेट रोल मिल गया है जो मैं यहाँ रखकर बिल्कुल भूल गया था। अरे ये तो टेनिस का कोर्ट है। हाँ मैं उस दिन यहाँ टेनिस खेलने आई थी और मेरे पास तब वो बुक भी थी। हाँ। चलो वहाँ चलते हैं। उस दिन मैंने यहाँ कपड़े बदले थे और हाँ मैंने वो बुक वाला बैग उस खिड़की पर रखा था और खेलने के बाद मैं सीधे घर चली गई थी। खिड़की पर रखी थी? मुझे लगता है वो बुक जरूर खिड़की से नीचे गिर गई होगी। ओह नो, मुझे पियानो क्लास जल्दी जाना है वरना देर हो जाएगी। चिंता मत करो, तुम्हारी बुक हम ढूंढ लेंगे। अब तो शिशिमानो के लिए इसे ढूंढना आसान होगा। ठीक है, प्लीज मेरे लिए ढूंढ देना। इस बार युमिको की डांट का असर सर पे दिख रहा है। मिल गई। मुझे वो बुक मिल गई, मिल गई। हाँ यही है वो बुक। चलो अब जल्दी इसे युमिको को जाकर देते हैं। चलो चले। ये है बुक बदलने की निंजा टेक्निक। भले भाई, तुम लोगों को युमिको की बुक मिल गई क्या? हाँ ये सब मेरे नाक का कमाल है। हाँ यही वो बुक थी जो उसे। ये तो खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा दिखाओ मुझे। अरे पर इसमें तो युमिको की खुशबू है ही नहीं। इसका मतलब ये नकली बुक है। ये कैसे हो सकता है? पर मैंने तो असली ही बुक ली थी। हाँ मेरे ख्याल से वो बुक रास्ते में ही बदल गई होगी। शिशिमानो निंजा टेक्निक से बुक का पता लगाओ। कौन सी निंजा टेक्निक से? मुझे उस टेक्निक से नफरत है। शिशिमानो असली निंजा सिर्फ ही होता है जो मुसीबत में अपने मालिक की मदद करता है। हाँ शिशिमानो। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। तो आज पहली बार लियोनोस की निंजा टेक्निक। तुम हंस रहे हो, मुझे पता था तुम हंसोगे। अब मैं ये नहीं करूंगा, जाओ। तुम्हें पता है किसी भी खुशबू को सूंघने के लिए लियोनोस की निंजा टेक्निक नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है।
इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं शिजी मानो। अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अब मैं पता लगा कर ही रहूंगा। मेरे पीछे आओ, मुझे यूमिको की खुशबू यहीं कहीं से आ रही है। देखा मैंने तो उसकी और तारीफ हमारी होगी। अरे ये नमूना कहाँ से टपक पड़ा? वो रही बुक वहाँ, वो हमारा के पास है। खुल गई पोल। कबड्डी 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 कबड्डी, मैं भी आया। शिशि मानो को ये काम अकेले करने दो, मुझे यकीन है वो अपनी लियोनोज निंजा टेक्निक की मदद से बुक जरूर ढूंढ लेगा। ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। तुम दीवार बनकर खड़े हो, अब आंटी बनकर। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। नहीं ना धोकर। अरे ले लो भाई ले लो, तुम्हारी किताब रख लो, तुम्हारे पास मुझे नहीं चाहिए किताब का क्या फायदा। बच्चे की जान वो तो ले ली। आखिर मैंने बुक ढूंढी ली, लेकिन दोस्तों अब मैं लियोनोस की निंजा टेक्निक कभी नहीं आजमाऊंगा। अरे मेरी नाक तो छोड़ो। सी अर्चिन की सर्चिंग, डिंग डिंग। बहुत पहले की बात है, इस मंदिर के पीछे के तालाब में वाटर अर्जुन रहता था। क्या सच में वाटर अर्जुन रहता था? मैंने तो कभी नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचे। मैं तो बस पानी के अंदर चट्टान बनाने की निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। ये मेरे सर पर क्या चिपक गया? इसलिए अगर हमें इनकम टैक्स के आउटकम को कम करना है तो हमें पैसों को इन और खर्चों का आउट करना होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ केनिची? हमने तालाब में वाटर अर्जुन देखा। क्या वाटर अर्जुन? मुझे तो लगता है केनिची तुम्हारा रात का कोई सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमने खुद उसे अभी अभी मंदिर के पीछे वाले तालाब में देखा है। ऐसा क्या? हाँ वो पक्का वाटर अर्जुन ही था। हमारी आँखें है कोई खेलने की गोटी नहीं। मेरी भी आँखें कोई मुर्गी का अंडा नहीं। ये सब अकल के घन चक्कर है, इन्हें और चक्कर पे चक्कर खिलाओ। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बहुत वक्त से उस तालाब को वाटर अर्चिन का तालाब भी कहा जाता है। क्या? मैंने प्राचीन किताबों में ये भी पढ़ा है कि वाटर अर्चिन कभी कभार नजर आते हैं, और ये भी लिखा है कि वो लोगों को डराने के लिए तालाब से बाहर निकलते हैं। देखो मैं बताता हूँ, वाटर अर्चिन कुछ ऐसा दिखता है। उसका सर प्लेट की तरह होता है और उसके हाथ और पैर मेंढक की तरह होते हैं, और वो उगते रहते हैं। अमारा तुम्हें तो उनके बारे में बहुत पता है। वैसी तारीफ मेरी नहीं इसकी करो, क्योंकि अनजाने में इसने बहुत बड़ी खोज कर ली है, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल खोज। और क्योंकि इन अर्चिन की खोज तुमने की है, तो आने वाले हर वक्त में जो भी अर्चिन होगा उसको केनिची अर्चिन नाम दिया जाएगा। क्या बात है केनिची, अब तो मैं भी अर्चिन मतलब केनिची अर्चिन देखना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यस यस, चलो हम अपने दोस्तों को भी साथ लेकर चलते हैं। हाँ हम सर और बाकी दोस्तों को भी ले चलते हैं। एक घो चुरुंडो हजार मिलते हैं। हाँ ओ हथौड़ी, केनिची तुम लोग सब एक साथ इस तरह कहाँ जा रहे हो? हम सब अर्चिन देखने के मिशन पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलेंगे बले भाई? मंदिर के पीछे वाले तालाब में एक अर्चिन है, चलिए ना। हाँ हाँ उस तालाब में अर्चिन क्या है? क्या सच में? शायद इन लोगों ने उस वक्त मुझे असल में वो अर्चिन नहीं। केनिची अब मैं अर्चिन देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी चलो जल्दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए सा। मुझे लगता है मुझे भी वहाँ जाकर उस अर्चिन को जरूर देखना चाहिए। अरे ये मामला तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, अब तो केनिची को बताने का भी वक्त नहीं कि वो अर्चिन मैं था। अब फिर मुझे केनिची के लिए अर्चिन बनना पड़ेगा। मुझे पता था ऐसा ही कुछ मामला है। केनिची और बाकी सब लोग किसी भी वक्त आने वाले होंगे। अर्जुन 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 अर्जुन। ये वाटर अर्जुन बनने की निंजा टेक्निक सुपर हिट रही, अब केनिची का सबके सामने मजाक उड़ेगा। अर्जुन अर्जुन आ गया, अस्सी अर्जुन आ गया, अस्सी वोट। अरे नहीं नहीं बच्चे की जान लोगी, क्या मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अरे मैं बचाओ डिंगी,
केनिची और अमारा सच में डरपोक है और राई का पहाड़ बनाते हैं। अर्चिन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं। डिंग डिंग। हथौड़ी, ये तो हम हैं। हाँ गोलू, तुम गोलू मोलू टोलू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हमने सच में तुम्हें बहुत डरा दिया क्या? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम ईगा अर्चिन फेस्टिवल में सुमो कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं सकते। असल में हम तीनों अर्चिन फेस्टिवल देखने जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ ले लें। इसमें कोई शक नहीं कि तुम तीनों निंजा ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। जरा ओवर स्मार्ट हो। हाँ, वो आवाज कैसी थी? आखिर वो चीज है क्या? क्यों तुम इस तरह पानी के अंदर तालाब में क्या कर रहे थे? सॉरी, मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, इसलिए तालाब के अंदर मछलियाँ पकड़ रहा था। फिर से भूख लगी। तुम भी ना हमें बेकार में डरा दिया। मुझे लगता है आज केनिची जरूर मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि अर्चिन जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। अरे तुम कौन हो? क्या हुआ? ये क्या है? शराब पानी के अंदर। ओ, हथौड़ी और दूसरे लोग भी आए हैं। असल में मैं फिसलकर तालाब में गिर गया था। सॉरी अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो। वैसे तुम्हें अर्चिन मिला क्या? इस अर्जुन का सर्चिंग करते करते मैं तो खुद डरने लगा हूँ, अपनी परछाई से भी। स्कूल पढ़ने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। डिंग डिंग। और हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसे इस एंगल पर। आज तुम्हें क्या हो गया केनिची? तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो गया था क्या? असल में मुझे आज सुबह अचानक नींद का दौरा पड़ गया था। ओ, तो आज तुम्हें नींद का दौरा पड़ गया था? यस सर। कल तुम्हारे पेट में दर्द था, उससे पहले सर में दर्द था, है ना? ऐसी कहीं क्या, अगर फिर से लेट आया तो मैं तुम्हारी मम्मी को कंप्लेन कर दूंगा। केनिची, कम से कम सीधे होकर तो चलो। बिल्कुल, जब स्कूल लेट आना ही है तो सीना तान कर आओ। हाँ बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से तुम्हें स्कूल में ही रुकना चाहिए ताकि लेट आने का झंझट ही ना रहे। अच्छा आइडिया है। हमारा हमेशा बकवास करता है। हथौड़ी प्लीज मान जाओ। ये तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो? प्लीज मेरी खातिर एक बार ऐसा कर दो। चाहे तुम कितना भी कहो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे ये प्लान एकदम बकवास है कि क्लास में वक्त पर पहुंचने के लिए तुम स्कूल में पहले से ही रुकना चाहते हो। तुमने कभी सोचा है इतनी सिक्योरिटी में तुम अंदर कैसे जाओगे? तो किसी निंजा टेक्निक से मेरी मदद कर दो। मैं और जिप्पो अभी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तुम भी जाकर सो जाओ। कितना मतलब भी है ये। वो यही आ रहा है। दूर हटो। मेरे प्यारे शिंजो। हाँ बोलो केनिची। पता है अगर सर ने मम्मी को स्कूल बुला लिया तो मम्मी मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगी। फिर मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट कैंडी और चॉकलेट रोल्स भी नहीं ला पाऊंगा। फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें क्या लगता है बल्ली भाई के बिना तुम इसकी मदद कर सकते हो? कभी नहीं। तुम दोनों भी बहुत मतलबी हो, सब कुछ जानते हुए भी मेरी मदद नहीं कर रहे। शायद तुम मेरे वो दोस्त नहीं रहे। नहीं केनिची, तुम गलत समझ रहे हो। इसमें अमारा मेरी मदद जरूर करेगा। अरे तुम तो बुला मान गए। अच्छा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, इस तरह स्कूल में घुसने का आइडिया कमाल का है। हमें स्कूल की छत पर लैंड करना होगा ताकि किसी को पता ना चले। चलो लैंड करते हैं। ठीक है। केनिची शोर मत मचाओ। इसे कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग। जीत गया। फिर से हार गया। इस बार मैं लगातार तीसरी बार जीता हूँ। चलो एक गेम और हो जाए। अब मैं स्कूल का राउंड मार कर आता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ ठीक है। सर अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहाँ टाइम पास करने आए होंगे।
हाँ हाँ, पर हम अंदर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो, मैंने अभी अभी निंजा टेक्निक सीखी है, मैं उन पर इस्तेमाल करके देखता हूँ। इस बार मैं गेम जीत कर ही रहूँगा। हिप्नोटाइज करने की निंजा टेक्निक। ओके, हो गया काम। कबड्डी कबड्डी। अब मुझे बस सुबह होने तक कहीं छुपना है और मेरा काम हो जाएगा। गार्ड आ रहा है। केनिची, टेंशन की वजह से मुझे टॉयलेट लग रही है। शिंजो, जल्दी करो। पता नहीं अचानक मेरी आंख कैसे लग गई। भूत बचाओ। हे शिंजो, अपनी लंगोट को नीचे मत लटकाओ। मैं जानबूझकर थोड़ी लटका रहा हूँ। वहाँ कोई है, वहाँ कोई है, टॉयलेट के अंदर कोई है। हाँ, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। मतलब? सालों पहले उस टॉयलेट में टीचर की हत्या हो गई थी, तभी से वहाँ उसका भूत घूमता फिरता रहता है। तो तुम सच कह रहे हो? नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। आपकी तसल्ली के लिए टॉयलेट में जाकर देख ही लेते हैं। ओह नो, गार्ड फिर आ रहा है। चलो कहीं छिप जाते हैं। आवाज वहीं से आ रही है। चलो देखते हैं। आवाज उस तरफ से आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सिर्फ एक डमी है और कुछ नहीं। चलो चलकर खेलते हैं, मैं ही जीतूंगा। केनिची, अब तो हम लोग घर जा सकते हैं ना? मुझे बहुत नींद आ रही है। इतनी जल्दी क्या है? तुमने हमें घर वापस नहीं जाने दिया ना? आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त जो हो। अकेले रहने के डर से नहीं जाने दिया। मैं वापस आ गया। पूरी रात ट्रेनिंग करने की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह नो, कहीं वो स्कूल तो नहीं गए? निंग 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 निंग। अरे, ये तो क्लासरूम में भी नहीं है। केनिची, केनिची, कहाँ हो? केनि, अरे इसकी तो क्लास शुरू होने वाली है, अब क्या करूँ? ओके स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेता हूँ। आराकी प्रेजेंट सर। ओबाना, आज केनिची सही वक्त पर आ गया। मुझे लगता है वो शायद स्कूल में ही सो गया होगा। युमिको, ओ नहीं, स्कूल में सोने के बाद भी मैं क्लास के लिए फिर लेट हो गया। हमारा प्रेजेंट सर। केनिची मित्सुबा। यस सर। दो केनिची, ये कैसे हो सकता है? बुद्ध में अब मैं आवाज। थोड़ी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अपने टीचर को बेवकूफ समझ रखा है क्या? लगता है केनिची के मामले में टांग अड़ाना अच्छा नहीं है। डिंग डिंग, क्या कर दिया? दोस्ती और दुश्मनी। डिंग डिंग। इस जगह मैं तुमसे पहले आया था, इसलिए तुमसे सीनियर मैं हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं निंजा टेक्निक्स में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। लो, वो दोनों तो फिर से लड़ने लग गए। क्यों, जाओ जाकर उनमें और लड़ाई करवाओ। ओके बॉस। सुनो सुनो, तुम दोनों में सबसे ताकतवर कौन है, ये फैसला लड़कर होना चाहिए। सही कहा तुमने कियो, तुम कितने समझदार हो। तो ठीक है, हो जाए फैसला कि हम में से ज्यादा बेहतर कौन है। मैं ज्यादा बेहतर हूँ, देख लेते हैं। तैयार रहो जिम्बो अपनी धुलाई करवाने के लिए। चलो जिम्बो, मेरे लिए टेस्टी चॉकलेट रोल्स लेके आओ। तुम सही कह रहे हो, अब अपने हाथों से मुझे खिलाओ। कितने बड़बड़ करता है। क्या कहा तुमने? मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। कितना कड़वा सच है। बहुत टेस्टी है। चलो टहलने चलते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। और फिर अगले दिन क्या तुम तैयार हो? तो फिर आओ। कम ऑन। तो झेलो। चलो शिशिमानो, मेरे लिए राइस केक्स लेकर आओ।
आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। अब अपने हाथों से उन्हें मेरे मुंह में डालो। मेरा तो बैटर की खराब है। वाह बहुत टेस्टी है। चलो अच्छे तरीके से मसाज करो। चलो अब टहलने चलो। नहीं, आज मामला कल से एकदम उल्टा है। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। चलो अब कूदो, अब बैठो, अब कूदो, अब बैठो। एक दूसरे से टक्कर लेने का समय है। देखना इस बार जरूर मैं ही जीतूंगा। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती। अरे आज मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन लड़ूंगा। मेरा भी मूड नहीं है। ये क्या हो गया बॉस, वो दोनों वापस चले जाएंगे क्या? धुएं की बॉल की निंजा टेक्निक, लेकिन निंजा टेक्निक अपनाते हैं। ओके बॉस। इतना अंधेरा क्यों है भाई, क्या हम अंधेरा चक्कर कहीं के? जिप्पो तुम उल्लू के पट्टे हो। शीशी मानो बोंदू कहीं के। जिप्पू मोटू कहीं के। शीशी मानो तुम अकल से पैदल हो। जिप्पू पेटू कहीं के। आलसी कहीं के। गेंडे कहीं के। कामचोर कहीं के। कामचोर कहीं के। चिपड़ गंजू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारा प्लान काम कर गया। हमारा काम हो गया, चलो चले। ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। डिंग 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 डिंग, सच उगलवाने की निंजा टेक्निक। बोलो कियो, जल्दी जल्दी बोलो। असल में जिप्पो और शिशमानो दोनों बुद्धू हैं, इसलिए हमने उन्हें बहका दिया। अब वो एक दूसरे से लड़कर खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं। मैं और बॉस खुश हो गए। अगर वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो पक्के दुश्मन बन जाएंगे। वो कियो, क्या हुआ तुम्हें? वो दोनों नफर हैं, खुद की दोस्ती तोड़ रहे हैं। होश में आओ। क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद है कि तुम क्या अनाप शनाप पक रहे थे? सॉरी बॉस, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा तो ये चक्कर है, वो दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं ताकि उनमें से जीतने वाला बॉस बन जाए और हारने वाला नौकर बन जाए। लेकिन मुझे इस पागलपन को रोकना होगा। कबड्डी 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 कबड्डी। मुझे मजा आ रहा है।